पैदा होते ही बेटे को बताया लाश। 33 साल बाद बेटे की सच्चाई आई सामने। अस्पताल की करतूत से दुनिया हैरान। ये कहानी है पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के एक गरीब गांव में पले बढ़े 33 साल के झांग हुआ युआन की। एक दिन झांग के सामने उनके माता पिता ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। एक पल में झांग की दुनिया बदल गई। जब उसे पता चला कि जिनके साथ वो इतने सालों से रह रहा है, जिनकी खुशियों के लिए वो दिन रात काम कर रहा है, वो उसके असली मम्मी पापा हैं ही नहीं। उन्होंने सिर्फ उसे पाला है। जन्म देने वाले माता पिता तो कोई और ही हैं, जिनकी नजरों में वो मर चुका है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आज से करीब 33 साल पहले दक्षिण पूर्वी चीन के झेंजियांग प्रांत के रहने वाले सबसे अमीर बिजनेसमैन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन प्रीमेच्योर पैदा होने के कारण डॉक्टरों ने बच्चे के माता पिता से कहा कि उनका बेटा मर चुका है और बच्चे को अस्पताल के डायरेक्टर की एक रिश्तेदार को सौंप दिया गया जो माँ नहीं बन सकती थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि झांग है, जिसे सालों पहले उसके माता पिता से छीन कर डॉक्टरों ने किसी और को दे दिया था। जिस बेटे की पैदाइश के बाद मरा बता दिया, वो 33 साल बाद जिंदा लौटा और अपने असली माता पिता को अपनी सच्चाई बताई। साथ ही सामने आई अस्पताल की असली करतूत। आपको बता दें कि 3 दशक बाद अपने माता पिता के पास वापस लौटने वाले झांग का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार झांग झेंजियांग प्रांत से लगभग 400 किलोमीटर दूर पले बढ़े हैं, जहां उन्हें जन्म देने वाले माता पिता रहते हैं। जिस कपल ने उन्हें गोद लिया था उनकी उम्र 50 साल थी और पिता विकलांग थे, इसलिए झांग को बचपन से ही गरीबी में जीना पड़ा। इसी वजह से उन्होंने 17 साल की उम्र में स्कूल भी छोड़ दिया। पालने वाले पिता की मौत के बाद उन्हें गोद लेने वाली महिला ने साल 2023 में बताया कि वो उनके असल माता पिता नहीं हैं। 33 साल के झांग हुआ युआन को ये जानकर हैरानी हुई कि उन्हें गोद लिया गया है, जिसके बाद पुलिस की मदद से झांग बीते साल मई महीने में अपने असली माता पिता से मिले। इसके बाद 20 मई को झेजियांग में खूब जश्न भी मना। झांग के पिता ने इस दौरान उन्हें करोड़ों रुपए भी दिए। झांग के पिता ने बताया कि जब झांग पैदा होने वाले थे तब पहला बच्चा 1 साल का ही था। वो सिजेरियन के जरिए हुआ था। गर्भावस्था के दौरान 6 महीने में ही पत्नी के टांके खुल गए, बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ। इस कपल से कहा गया कि इनके बेटे की पैदा होने के कुछ समय बाद ही मौत हो गई है, लेकिन अब 3 दशक बाद इन्हें अपना बेटा जीता जागता मिला है जो कभी मरा ही नहीं था। ये सब डॉक्टरों की कारस्तानी थी। हालांकि गरीबी में अपनी जिंदगी के 33 साल बिताने के बाद आज झांग बिजनेस संभाल रहे हैं। वो एक छोटी फैक्ट्री के मालिक और उन्होंने शादी भी कर ली है और उनका एक 9 साल का बेटा भी है। झांग के माता पिता कहते हैं, मेरे बेटे ने जीवन का 30 साल से ज्यादा वक्त बिना अपना जन्मदिन जाने बिताया। इस साल हम उसका जन्मदिन साथ में मनाएंगे। आपको बता दें कि झांग की इस कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और अस्पताल ने झांग के माता पिता के साथ जो किया उसकी वजह से झांग ने काफी गरीबी देखी और उसकी पढ़ाई भी छूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।